हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी डिश है और ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और ये तो दादी माँ का रेसिपी है जो कि आज मैं दादी माँ के स्टाइल में बनाऊँगी और बिल्कुल उन्हीं की तरह बनाऊँगी चूल्हे पर। आप चाहे तो इसे गैस पर या फिर इंडक्शन पे या फिर किसी भी चीज़ पे बनाएं। और आज मैं बनाने वाली हूँ कर्ड राइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दादी माँ का रेसिपी। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्ड राइस बनाना। ये देखिए, हमने चूल्हे में आग लगा दिया है और हमारा आग जल रहा है। मैंने यहाँ पे आधा के जी चावल लिया है, जीरा लिया है, काली मिर्च लिया है, हरी मिर्च लिया है और कुछ लहसुन की कलियाँ। और मैंने यहाँ पे दही को फेंट लिया है, ये 3 केजी दही है। और चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं हम लोग सिलवट्टे पे। और सिलवट्टे पे का मसाला तो बहुत ही टेस्टी होता है और ये हमारे खाने को भी बहुत टेस्टी बनाता है। तो गांव में सिलवट्टे का ही यूज़ ज़्यादा होता है। तो चलिए हमारा मसाला पिस गया, उसे उठा लेते हैं एक प्लेट में। मैंने एक चूल्हे पर एक बर्तन रख दिया है और उसमें डालती हूँ 1 केजी पानी। और मैंने चावल को पहले से ही धो के रखा था तो मैं चावल को भी डाल देती हूँ इसमें। और इसे अच्छे से चला देते हैं ताकि इसके तले में चिपके ना। हम लोग डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक और जो सिलौटे पे मसाले पीसे थे उसे भी डाल देते हैं इसमें और ये हमारे खाने को टेस्टी बनाएगा। डालते हैं इसमें हल्दी पाउडर और जो हमने दही फेंट के रखा था उसे भी डाल देते हैं इसमें। चलिए इन सब चलिए इसे लगातार चलाते रहते हैं, नहीं तो हमारे तले में चिपक जाएगा और हमारा दही भी फट जाएगा तो हमारा डिश अच्छा नहीं बनेगा। चलिए देख लेते हैं हमारा चावल पका है या नहीं। नहीं, हमारा चावल बिल्कुल नहीं पका है अभी। इसे और पकाएंगे और इसे हम लोग चलाते रहेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गया है, अब हमारा दही फटेगा नहीं। और चलिए देखते हैं फिर से कि हमारा चावल पका है या नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से मैश जा रहा है, यानी हमारा चावल पक गया है। मैंने यहाँ पे कलछी ले लिया और इसे चूल्हे में डालकर गर्म कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमारा तड़का अच्छा बने। तो मैं डालती हूँ इसमें 2 चम्मच घी। घी हमारा गरम हो गया। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 चम्मच मेथी दाने और डाल देती हूँ इसे घी में और इसे अच्छे से पका लेते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो ये बहुत ही कड़वी लगेगी और हमारा तड़का ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। डाल देते हैं इसे कर्ड राइस में। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा कर्ड राइस, आप लोग भी बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा। बाय फ्रेंड।